परमेश्वर की खेती होने के नाते किस प्रकार खेती को संभालकर फल देना, उसके बारे में एक दृष्टांत को देखेंगे जो प्रभु यीशु ने बताया। मैंने अपनी खेती में एक अंजीर का पेड़ रोपा था। अच्छा हरा भरा दिख रहा है, मैं जाके देखूंगा। एक फल भी नहीं दिख रहा है। हे नौकर, इधर आओ। हाँ स्वामी। नमस्ते स्वामी। देखो, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता हूँ। इसे काट डालो, ये भूमि को क्यों रोके रहे? हे स्वामी, इसे 1 साल और रहने दे, ताकि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद और पानी डालूंगा। तब आगे को फले तो ठीक, वरना इसको काट डालना। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए तुम खेती को अच्छे से संभालो, सींचो तो बहुत फल आएगा। जी स्वामी, मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है। सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं? हाँ ठीक है ना। आज पाठ 4 सीखेंगे, तुम परमेश्वर की खेती हो। बाइबल अध्याय है लुका रचित सुसमाचार 13:6-9 तक। मुख पाठ वचन है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, 1 कुरिन्थियों 3:9। अब सब लोग मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? हाँ, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, इस वचन को सबको याद करना है बच्चों, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक मजेदार कहानी बताना चाहता हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? यस। तो सभी ध्यान से सुनना है, ठीक है? प्यारे बच्चों, आपने अंगूर तो देखे ही होंगे। अंगूर का रंग हरा आता है, लाल आता है और काले रंग का अंगूर आता है। मैं आपके को दिखाने के लिए कुछ अंगूर लेके आया हूँ, क्या आप देखना चाहोगे? हाँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, काले अंगूर, हरे अंगूर, बोलो सब, काले अंगूर और हरे अंगूर। प्यारे बच्चों, अंगूर खाने से हमारे शरीर में लहू बढ़ता है और अंगूर को एक औषधीय गुण है। तो एक गांव था, उस गांव में एक परिवार रहता था, माता पिता और उसके 2 बेटे। तो प्यारे बच्चों, एक दिन क्या हुआ, दोनों बेटों ने अपने पिताजी से बोला कि पापा हमको अंगूर खाने हैं, वो भी काले अंगूर खाने हैं। बोला कैसे अंगूर? काले अंगूर। तो पिताजी ने बोला, बेटे काले अंगूर यहाँ नहीं मिलते, यहाँ से दूर एक अंगूर की बारी है, वहाँ पर मिलेंगे, मैं एक दिन जरूर आपको वहाँ ले जाऊँगा। ये सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हो गए, अरे वाह, हमारे पापा हमको अंगूर खाने के लिए ले जाएंगे। रात को सोए हो गए तो भी सपने में अंगूर दिखते होंगे उनको। तो एक दिन उनको लेकर उनके पापा जाते हैं। तो छोटे बेटे ने वहाँ अंगूर के बारी के मालिक से पूछा कि अंगूर कैसे बनते हैं। मालिक ने बताया, अंगूर को बहुत ही ध्यान रखना है, अच्छा संभालना है, अच्छे से उसको ख्याल रखना है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए और कुछ अंगूर वहाँ से उन्होंने खरीदे। और अंगूर खरीद कर ऐसे देखा तो, अरे वाह, कितना अच्छा अंगूर है बड़े भाई। तो छोटे ने बोला, हाँ छोटे भाई बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कुछ अंगूर ऐसे तोड़े और चखे, अरे वाह, बहुत ही अच्छा मीठा मीठा अंगूर है। तो वो दोनों भाइयों ने मालिक से बीज मांगे, मालिक हमको भी बीज दो, हम भी हमारी ज़मीन में अंगूर करेंगे। ऐसा करके वहाँ से बीज लेकर वो घर पे आते हैं।
घर पर आकर अपनी जमीन में वो बीज बोते हैं। तब छोटे भाई ने जो बीज बोया था उसका वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, पानी समय से दिया, खाद समय से डाला, तो उसका अंगूर अच्छे से उसका वेल बड़ा हो गया। लेकिन बड़े भाई ने क्या किया बच्चों मालूम है आपको? बीज को ऐसे ही जमीन में डाल दिया, फिर उसको देखने के लिए भी नहीं गया, तो क्या होगा? वो मर जाएगा। अगर छोटा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा होकर सूख जाएगा, तो उसका तो सूख गया, लेकिन छोटे भाई का अंगूर अच्छे से उसका वेल बड़ा हुआ, फल देने लगा। फिर उसने मन में सोचा, अरे वाह, अच्छा अंगूर आता है, अच्छा फल आता है, अभी हमको अंगूर खरीदने के लिए बाहर गांव में नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम हमारी पूरी जमीन में अंगूर की बारी करेंगे। तो उसने ऐसा ही किया, और क्या हुआ बच्चों, धीरे 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 उसका अच्छा फल मिलने लगा। तो आसपास के सभी गांव के लोग उसके पास खरीदने के लिए आते थे, तो वो दिन प्रतिदिन धनवान बनता गया और गिनता था पैसे, 1000, 2000, ऐसे बहुत ही धनवान बन गया। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा भाई था वो कैसे धनवान बन गया? क्योंकि उसने अच्छे से संभाला वो अंगूर के पौधे को और अच्छा फल मिला उसको। वैसे ही प्यारे बच्चों, एक बाइबल में कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? हाँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं बाद में आपको प्रश्न पूछूंगा, ओके? तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी को बनाया, और छोटे पौधे को, बड़े पौधे को, सबको बनाया, अदन वाटिका को भी बनाया, और आदम हवा को अंदर संभालने के लिए रखा, ताकि वे लोग उसकी अच्छे से संभाल रखे। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हुआ मालूम है? आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, इसलिए परमेश्वर ने उनको एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया, और परमेश्वर ने बोला कि जिस मिट्टी से तुम्हें लिया गया था उसी में तुम परिश्रम करके, मेहनत करके, खेती करके तुम अपना जीवन चलाओगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं आज तक मनुष्य खेती में ही निर्भर है, उसी के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करता है। हमारे बाप दादाओं भी खेती करते थे, आज भी सब लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही नए नियम में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बहुत बड़ा सेठ था, मालिक था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी खेती करने के लिए। एक अंगूर की बारी थी, उसमें एक अंजीर का पेड़ था। कितना पेड़ था? एक अंजीर का पेड़ था। तो वो मालिक को इच्छा हुई, अरे मेरी बारी में एक अंजीर का पेड़ है, तो उसके ऊपर फल ढूंढने मैं जाऊंगा, मुझे फल मिलेगा। ऐसा करके वो जाता है अपने खेत में, और दूर से देखता है तो पेड़ तो अच्छा हरा भरा दिखता है, तो खुश खुश हो जाता है, अरे मेरे दास ने जरूर मेहनत की होगी, इसलिए इतना हरा भरा पेड़ है, पास में जाकर देखता हूँ कैसा पेड़ दिखता है, कैसा फल आया होगा। तो जाकर वो देखता है ऐसे, तो देखा, अरे फल इधर तो नहीं है। फिर दूसरी ओर घूमने के देखता है, अरे इधर भी नहीं है। निराश हो जाता है वो तो, और गुस्सा होकर अपने दास को बुलाता है, अरे दास इधर आओ, मैं पिछले 3 साल से इस पेड़ के ऊपर फल ढूंढते आ रहा हूं, लेकिन एक भी नहीं पाता। ऐसा पेड़ का हम क्या करें जिसके पीछे हम मेहनत करें, ऐसे पेड़ का हम क्या करें, ये तो फालतू की ही जमीन रोके रखता है, ऐसे पेड़ को तो काट के फेंक देना चाहिए, जो फल देने योग्य पेड़ नहीं उसको काट देना चाहिए। लेकिन उसके दास ने बहुत ही नम्रता पूर्वक बोला, हे स्वामी, इसको 1 साल और रहने दे, ताकि मैं इसके चारों ओर अच्छी खोदाई करूं, खाद डालूं और पानी डालूंगा और अच्छे से उसको संभालूंगा, तब आगे को फले तो ठीक,
वरना काट डालना। ऐसा करके उस दास ने अपने स्वामी से थोड़ा समय मांगा कि उसके ऊपर फल जरूर आएगा, और ये सुनते ही उसका मालिक ये सुन के निकल गया। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि एक मालिक भी फल ढूंढता है, तो हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है, तो परमेश्वर हमसे भी फल चाहता है ना। तो हम परमेश्वर की खेती और उसकी रचना है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे खेत में अच्छा फल आने के लिए कैसे खोदते हैं, उसमें से जो पत्थर है, कचरा है, उसको निकाल के फेंक देते हैं और अच्छा खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें, जैसे खोदने का मतलब है कि अच्छा से गहराई में जाकर बाइबल को मनन करना है, खाद डालने का मतलब है अच्छे से प्रार्थना करना है, पानी डालने का मतलब है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर प्रार्थना करना है, और जो हमारे अंदर पापी स्वभाव है उसको निकाल के फेंक देना है। तभी बच्चों एक अच्छे फल देने वाले हम बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें फल देने वाला बनना है तो हमारे पापी स्वभाव को निकालना है, हमारे स्वभाव को बदलना है। जो पवित्र आत्मा के नौ फल है वो हमारे अंदर दिखने चाहिए, हमारे अंदर वो लाना है हमको। ठीक है बच्चों? तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो मैं अभी आपको प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको उत्तर देना है। ठीक है? पहला प्रश्न है, अंगूर की बारी में कौन सा एक पेड़ था? हाँ, अंजीर का एक पेड़ था। दूसरा प्रश्न है, बारी का मालिक कितने वर्षों से फल ढूंढने आता था? 3 वर्ष से। तीसरा प्रश्न है, फल न मिलने पर मालिक ने क्या कहा? पेड़ को काट कर आग में झोंक दो। चौथा प्रश्न है, आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन वाटिका से निकाला तो उसे क्या काम दिया? खेती करके अपना जीवन व्यतीत करने का काम दिया। ठीक है? पांचवा प्रश्न है, फल देने वाले बनना है तो क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और पवित्र जीवन जीना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक है? तुम परमेश्वर की खाली जगह और उसकी खाली जगह हो, तो पहले में क्या आएगा? तुम परमेश्वर की खेती और उसकी रचना हो। हाँ, ये है ठीक जवाब। ठीक है? दूसरा प्रश्न है, फल ना देने वाले पेड़ को खाली जगह के और खाली जगह में झोंका जाता है, क्या आएगा उसमें? फल ना देने वाले पेड़ को काट के आग में झोंक दिया जाएगा। ठीक है? अभी सही जोड़े मिलाना है। वाटिका कौन सी वाटिका थी? अदन वाटिका। पेड़, पेड़ के सामने क्या आएगा? अंजीर का एक पेड़ था। 3 वर्ष से मालिक क्या ढूंढ रहा था? फल। फल नहीं मिला उसको। चौथा है, परमेश्वर की खेती कौन है? हम है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये कहानी के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी एक फल देने वाला बनाए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हमें फल देने वाला बनाए परमेश्वर। इसलिए आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आप हमारे मालिक है, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा देना, और हम अपने जीवन में फल देने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर, प्रभु यीशु के नाम में आमेन आमेन। ओके, जय मसीह की।